This is the next question. Okay. I, I don't want to show you the options. चलो तो इसमें क्या दिया है अगले क्वेश्चन को फोकस करो रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ सिक्स स्क्वायर मीटर्स इज टू बी पेंटेड ऑन अ थ्री मीटर बाई फोर मीटर बोर्ड लिविंग अ बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म विथ आपसे आपसे क्या पूछा हुआ इस क्वेश्चन को समझो देर इज नो कैलकुलेशन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सिर्फ डायग्राम बनाओगे यू विल कम टू नो देर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व एक रेक्टेंगुलर एरिया है सिक्स स्क्वायर मीटर का उसका एरिया दिया है आपको सिक्स यस इज द एरिया सिलवाल ठीक है तो सिक्स एरिया कब होगा ओके okay. और उसको आपने उस रेक्टेंगल को आपने पेंट करना है एक थ्री मीटर इंटू फोर मीटर बोर्ड में सपोज एक बोर्ड में बना रहा हूं रेक्टेंगुलर बोर्ड ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सपोज इफ इफ दिस इज अ रेक्टेंगुलर बोर्ड अगर ये एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है ठीक है इसके डायमेंशनस कितने दिए आपको थ्री मीटर इंटू फोर मीटर सो दिस विल बी थ्री मीटर दिस विल बी फोर मीटर ना लेंथ और ब्रेथ अब सुन लो सुन लो जीरो करोगेटेंगुलर एरिया ऑफ सिक्स स्क्वायर मीटर टू बी पेंटेड इसके ऊपर आपने एक, एक और रेक्टेंगल पेंट करना है जिसका एरिया सिक्स स्क्वायर मीटर होना चाहिए ठीक है और जब आप उसे पेंट करेंगे तो जो साइड में जो 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 बॉर्डर बचेगा वो यूनिफॉर्म व्रत का होना चाहिए इस तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने एक रेक्टेंगल बीच में पेंट किया ऐसे एक रेक्टेंगल पेंट किया सपोज ये एक रेक्टेंगल है और इसका जो एरिया है वो सिक्स मीटर स्क्वायर है इसका एरिया सिक्स मीटर स्क्वायर कब होगा और ये जो वृत्त बची है ये ये इसकी जो चौड़ाई होगी ये सबकी बराबर है अभी लग नहीं रहा यहाँ पर बट ये सारी चौड़ाई बराबर है ओके तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है तो सिक्स मीटर स्क्वायर कब होगा एरिया रेक्टेंगल का एल इन बी कब होगा जब लेंथ कितनी होगी थ्री मीटर जब लेंथ होगी थ्री मीटर और विड्थ कितनी होगी टू मीटर अब आप खुद ही देख लो ना अब आपको यूनिफॉर्म चाहिए। अगर आप सपोज इसको एक्स मानते हो एक्स मीटर इसको भी आप एक्स मीटर मानते हो ठीक है ओके तो अगर आप एक्स अगर आप इसको इस तरीके से करते हो एक्स प्लस ठीक है इसको मैं पूरा ऐड कर रहा हूं यहां से पहले मैंने एक्स ऐड करा प्लस थ्री मीटर प्लस फिर से एक्स, इन सब को मिला के कितना जाएगा ये तो पूरी फोर मीटर के बराबर बन जाएगी इज टू फोर मीटर सो दिस विल बी टू एक्स प्लस थ्री इज टू फोर और टू एक्स विल बी इज इक्वल टू वन और एक्स इज इकल टू वन बाई टू विच इज नथिंग बट जीरो पॉइंट फाइव मीटर तो ये जो विड्थ आएगी ना विड्थ ये जीरो पॉइंट फाइव मीटर की आएगी हर तरफ से आप कहीं से भी कैलकुलेट कर लो सो इट विल बी जीरो पॉइंट फाइव फ्रॉम दिस साइड इट विल बी जीरो पॉइंट फाइव फ्रॉम दिस साइड हर तरफ से ओके okay.